तो दोस्तों, अगर आप भी फेसबुक पेज पर मूवी की क्लिप को अपलोड करके पैसे कमाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे दोस्तों आप जो भी मूवीज़ होती हैं उन मूवीज़ की क्लिप को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज पर, और उस तरीके से दोस्तों अपने फेसबुक पेज को आप मोनिटाइज करके उससे पैसे कमा सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे इससे पैसे कमा भी रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ कि दोस्तों जो आपको मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ, इस प्रोसेस से दोस्तों आपके फेसबुक पेज पर जो मूवीज़ होंगी ना, जो क्लिप होंगे, उन पर कॉपीराइट भी नहीं आएगा। विदाउट कॉपीराइट के आप यहाँ पे अपने पेज को मोनेटाइज भी कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा, इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप वीडियो को पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे आप देखिए, मैं यहाँ पे फेसबुक पेज पे आ चुका हूँ। फेसबुक पेज पे आने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको मूवीज़ देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, काफ़ी आपको मूवीज़ के, और सबसे ज़्यादा आपको जो मूवीज़ वाला सेक्शन होता है यहाँ पे, जो वॉच वाला, इस वॉच वाले सेक्शन में दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको मूवीज ही दिखाई देंगी। जो भी आप फर्स्ट टाइम वॉच कर लेते हो भाई, उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियोस दिखाई देंगी। तो यहाँ पे काफ़ी, देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कपिल शर्मा के शो हैं उनको डालकर भी आप पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो 2.5 मिलियन व्यूज हैं इस पर। तो ये कैसे क्या करते हैं, सभी कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखो आपको एक से बढ़कर एक यहाँ पे मूवीज़ की क्लिप मिल जाएंगी, शोज मिल जाएंगे, जो भी वायरल वीडियोज़ होंगी वो मिल जाएंगी। तो अभी दोस्तों आपको कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको बता दूं, और कैसे अपलोड करना है जिससे दोस्तों आपकी वीडियो ज्यादा जल्दी यहाँ पे वायरल हो। ठीक, तो आपको करने क्या होगा, सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो मूवीज है ना, इन मूवीज को क्लिप को डाउनलोड करना होगा। अभी आपको मूवीज की क्लिप को डाउनलोड कहाँ से करना है मैं आपको बता दूं। दोस्तों आपको फेसबुक से ही यहाँ पे डाउनलोड करना है और फेसबुक पर ही अपलोड करना है, या आप यूट्यूब से डाउनलोड करके कर सकते हैं। बट यूट्यूब से करेंगे तो दोस्तों स्ट्राइक आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि वो उस पर पहले स्ट्राइक आया है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, कोई सी भी आप मूवी देखिए, उनका एक यहाँ पे कोई भी पेज उठा लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए इनने ये मूवी यहाँ पे अपलोड की है, ये वाली। यहाँ पे नीचे जाऊँगा मैं, नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाते हैं, ये वाला मूवी जॉन, इसको मैंने ओपन करा। तो ओपन करने के बाद इनके देख सकते हैं 2.2K फॉलोवर्स हैं, मतलब कि एक नया पेज है। और यहाँ पे इनके वीडियो पे देखिएगा, इनने जितनी भी यहाँ पे वीडियोस अपलोड की इनको आप कॉपी कर सकते हो, यानी इनको डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर सकते हो। अभी डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूँ। ठीक, तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे इनकी वीडियो पे जाना, कोई भी वीडियो पे यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है और कॉपी लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कॉपी लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाएगा। ठीक, सभी जिनके भी पार्ट्स है ना, ये पार्ट्स पूरे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, डाउनलोड करने के बाद आपको करने क्या होगा वो भी मैं आपकी सभी आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे फेसबुक पे जो सबसे ज़्यादा मूवीज़ वो चलती है ना, वो यहाँ पे साउथ की चलती हैं। तो आपको बॉलीवुड की हद बहुत ही कम, बॉलीवुड की देखो यूट्यूब पे भी नहीं मिलती, ना ही आपको फेसबुक पे मिलेंगी। बॉलीवुड की कम ही मूवीज़ होती हैं, क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज़ पे यहाँ पे स्ट्राइक आने का खतरा ज़्यादा होता है। तो आपको वो बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना है, साउथ की मूवी को अपलोड कीजिएगा। देखो, दो से तीन तरीके मैं आपको बताऊंगा, और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करो। सभी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आपको क्या करना है और मोनेटाइज कैसे करना है, वो मोनेटाइज की एलिजिबिलिटी क्या है, सभी को मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे, ठीक, यहाँ पे मूवीज़ मिल जाती हैं जहाँ से अपने दोस्तों इसको डाउनलोड करा। उसका अब देखो ये वाला पेज है, नीचे पेज जाता हूँ। और आपको दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, उस पेज से आपको डाउनलोड करना है जिस पेज दोस्तों वेरीफाइड पेज नहीं है, है ना, नया नया पेज है और उनके वीडियोस पे अच्छे खासे उनके व्यूज़ चले गए। यहाँ पे देखो 2.9 व्यूज़ चले गए हैं। तो इसको मैंने ओपन करा, यहाँ पे इनको देखो 12,000 फॉलोवर्स हैं इनके पे, 12,000 फॉलोवर्स हैं। और यहाँ पे देखिएगा इनकी यहाँ पे मूवीज ही अपलोडेड हैं। तो ये मूवीज़ पे दोस्तों आप मूवी की क्लिप भी वगैरह ये भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, डाउनलोड करने के बाद आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे आपने गूगल पे चले जाना है। आपको मेथड नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेथड में आपको बताऊंगा तो वीडियो पे स्ट्राइक आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे फेसबुक की वीडियो को मतलब कि डाउनलोड करके नहीं बताने वाला। आपको सिंपल से गूगल पे आ जाना है, गूगल पे आने के बाद सिंपल से वहाँ पे सर्च करना है फेसबुक वीडियो डाउनलोड, फर्स्ट की जो वेबसाइट आएगी, फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करके ये लिंक आपने जो कॉपी की है वो कॉपी लिंक आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना और उसको डाउनलोड करना है, आपकी मूवी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ठीक, डाउनलोड होने के बाद आपको अपलोड करना है। मैंने खुद मेरे अकाउंट पे मूवीज अपलोड की है, वो मैं अभी आपको अकाउंट लॉगिन करके बता देता हूँ। ठीक, तो दोस्तों जैसे कि आप देख पाएंगे ये मेरा ही अकाउंट है और इस पर मैंने दोस्तों यहाँ पे मूवीज़ अपलोड की हैं। जैसे कि अभी आप देख पाओगे ये वाली मूवीज़ मैंने अपलोड की हैं। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं और इन पे कोई भी स्ट्राइक वगैरह नहीं आया और काफ़ी यहाँ पे टाइम भी हो गया। देखो, ये जनवरी मैंने 15 में की थी और ये मैंने जनवरी 11 को की थी, अभी तक कोई भी स्ट्राइक वगैरह नहीं आया है।
ठीक। तो और ये देख सकते हैं, ये दिसंबर मैंने 16 में की थी ये। और बस आपको कैसे अपलोड करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और एक आपको पार्ट अपलोड करके बताऊंगा कि कैसे आपको अपलोड करना है। देखो करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे नीचे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद सिंपल सा आपको वहाँ पे फोटो एंड वीडियो का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ से आपको वीडियो ले लेना है, जो भी आप वीडियो अपलोड करना चाहते हो, ठीक। या आप इसको एज इट इज रहने देना। उसके बाद अपनी आपको फोटोज़ में जाना है, अपने जो भी प्रोफाइल है ना, यानी आपकी जो भी फोटोज़ हैं, इन फोटोज़ में चले जाना है। यहाँ से जो मूवी का पार्ट है ना, उस मूवीज़ के पार्ट को वहाँ पर उठा के सिंपल सा वहाँ पर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूँ। देखो यहाँ पर जैसे कि मेरी ये अपलोड करना चाहता हूँ, शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, न्यूज़ फीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये देखो आ गई, डायरेक्टली शेयर हो गए, ठीक। देखो यहाँ से आप यहाँ पे अपलोड करते हैं तो काफ़ी मूवीज़ आपके यहाँ पे जो इमेजेस वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे शो नहीं होती हैं, तो डायरेक्टली आपको वहाँ पे जाके डायरेक्टली अपने फेसबुक पे शेयर कर देना। जैसे शेयर करेंगे यहाँ पे आ जाएगी आपको सिंपल। अब यहाँ पे लिखना है कि आपको इस मूवी में है क्या, एक टाइटल लिखना है। तो इस मूवी में फिर हेरा फेरी मैं आप कर देता हूँ, फिर हेरा फेरी, ठीक। फिर हेरा फेरी कॉमेडी वीडियो, कॉमेडी वीडियो इस टाइप से आपको कर देना। और बस इतना करने के बाद एक दो इमोजी लगा देना है, और इमोजी लगाने के बाद आपको यहाँ पे हैशटैग लगाना है। हैशटैग में क्या लगाना है, हैशटैग ज़्यादा लगाएंगे, और हैशटैग दोस्तों ऐसे लगाइए जो मिलियनों में जिन पे वीडियोस अपलोड की गई उन हैशटैग पे, ठीक। तो एक्सप्लोर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, पहला एक्सप्लोर देखो 68 मिलियन है, दूसरा एक्सप्लोर पेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ जिस पे देखो यहाँ पे 53 मिलियन है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं देता हूँ फिर हेरा फेरी, आपको मूवी का नाम भी लिख देना है, फिर हेरा फेरी, ठीक। तो यहाँ पे 1000 पोस्ट यहाँ पे दी गई है इस वाले पे, ठीक। उसके बाद हैशटैग लगा गया, और भी आपको लिख देना है, वायरल वीडियो लिख देना है, वायरल वीडियो लिखेंगे। देखो यहाँ पे वायरल वीडियो पे 25 मिलियन यहाँ पे पोस्ट की गई हैं। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी लिख देना है, फिर एप भी वायरल वीडियो लिख देना है, एक एप भी वायरल वीडियो। तो ज़्यादा हैशटैग नहीं लगाना है आपको, वही लगाना है जो मिलियनों में हो। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 हैशटैग दे दिए, और देने के बाद आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना। पोस्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली शेयर टू इंस्टाग्राम, नहीं आपको इंस्टाग्राम पे शेयर करना है तो कीजिएगा, नहीं तो आपको नॉट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जो आपकी मूवी होगी ना, या जो भी आपकी वीडियो होगी, वो दोस्तों यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। जैसे कि आप देख पाएंगे ये जो है ना वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद देखो फिनिशिंग में आ चुकी है। उसके बाद करना कुछ नहीं है आपको, करने क्या होगा वो मैं आपको बता दूँ। अगर इसमें आप थंबनेल वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो में आ जाना है, अपने क्रिएटर स्टूडियो में आना है। क्रिएटर स्टूडियो में आने के बाद इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। मैंने जिस पे अभी अपलोड किया है ना वो अकाउंट यहाँ पे लॉगिन नहीं है, ठीक। लॉगिंग हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूँ। देखो मैं आपको दूसरी वीडियो का बता देता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाली मेरी वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा मेरा। ये मैंने मेन पेज पे दोस्तों मैंने यहाँ पे ये मेरी वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब की, ठीक। तो यहाँ पे हैशटैग आपने ऑलरेडी लगा ही दिए, जो आपने दोस्तों वहाँ पे टाइटल लिखा है ना, उस टाइटल को कॉपी करके, जैसे ये टाइटल आपने लगाया था, ठीक। एक बार मैं बैक कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर से मैं एडिट के लिए जाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे इसको आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद सबसे ऊपर टाइटल का ऑप्शन आएगा है ना, जो आपने फेसबुक पे दिया था ना वो आपके डिस्क्रिप्शन का पेज था, टाइटल का पेज नहीं था, ठीक। तो यहाँ पे जो आपने टाइटल अभी कॉपी किया ना डिस्क्रिप्शन में से, वो यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद इसमें अगर आप थंबनेल लगाना चाहते हैं कोई जो आपके फ्रंट पेज पर दिखाई दी, तो आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे थंबनेल, जो भी आप थंबनेल लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे थंबनेल लगा दीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये थंबनेल यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से थंबनेल लगा के, और सिंपल सेव का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके बस आपकी हो चुकी है वीडियो पूरी तरीके से पब्लिक। अभी आपको करना कुछ नहीं है, आपकी मूवी जो क्लिप है वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे देखो ये मूवी क्लिप अपलोड हो चुकी है, जैसे कि अभी आप देख पाओगे। इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, इसको शेयर करना है अपने ग्रुप्स पर। दोस्तों आपका जो भी पेज है उस पेज से रिलेटेड यहाँ पे पेज पे आपको फॉलो कर लेना है, या फिर ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद ये वाली जो वीडियो आप अपलोड करते हैं ना, उसको 3 से 4 ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। 3 से 4 ग्रुप में शेयर कर देना, बस अभी आपका काम हो चुका। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपके दोस्तों वीडियोस पर व्यूज आना चालू हो जाएंगे, ठीक। तो दोस्तों एक तो ये तरीका था फेसबुक पर मूवी क्लिप अपलोड करने का, क्योंकि फेसबुक से ही डाउनलोड करो, फेसबुक पर ही अपलोड करो। अभी मैं दूसरी मेथड बताता हूँ। तो दूसरी मेथड ये है कि यूट्यूब से कोई भी मूवी का एक पार्ट लीजिएगा, पूरी मूवी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका एक पार्ट लीजिए। पार्ट लेने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, काइन मास्टर में जाना है। काइन मास्टर में जाने के बाद जैसे कोई सी भी मूवी का एक पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, और यहाँ पे मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये काइन मास्टर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे मूवी की क्लिप उठा लीजिएगा, मैं डाउनलोड में कोई क्लिप पड़ी होगी तो मैं यहाँ पे उठा के आपको बताता हूँ, ठीक। जैसे कि इसको लीजिएगा, ये है, ठीक, ये आपने कॉपी की, ठीक, मान के चलिएगा एक मूवी की क्लिप है, ठीक।
तो आपको करना कुछ नहीं है, शुरू का जो पार्ट है ना, शुरू का एक मिनट के पार्ट को सिंपल से आपको क्या कर देना है, एक मिनट के पार्ट को यहाँ पे रिमूव कर देना, शुरू के 10 सेकंड के पार्ट को, सॉरी 10 सेकंड के पार्ट या एक मिनट के पार्ट जितना भी हो आपके पास, ये छोटी है, एक मिनट की है इसलिए मैं 10 सेकंड का ले रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ से कट कर देना, कट करने के बाद आपको बीच में जाना है, बीच में जाने के बाद यहाँ से भी कुछ सेकंड का कट कर देना है, कट करने के बाद उसके बाद आपको करना क्या हुआ, उसके बाद आप फिर से जाइए और फिर से दोस्तों बीच में से एक जगह और फिर आपको कट कर देना है, कट करने के बाद और आखिरी का भी आपको यहाँ पर कट कर देना है 10 सेकंड, मतलब कि अगर आपकी वीडियो मिनट में है, जैसे कि 10 मिनट 20 मिनट की है, तो एक मिनट की आप शुरू में से एंड कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, एक मिनट आखिरी के हटा दीजिए, आखिरी के हटाने बीच के में भी 2-3 बार हटा दीजिएगा, 2-3 बार, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इस वीडियो पे क्लिक करना है, इसकी मैं आपको वॉइस सुना देता हूँ पहले, देखो इसकी आवाज़ थोड़ी अलग आ रही होगी, अभी ओरिजिनल आवाज़ है, तो इसकी आपको वॉइस को चेंज करना है, ठीक। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे वॉइस चेंजर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिंपल से करना कुछ नहीं है, वॉइस चेंजर का ऑप्शन पे क्लिक करना है, आप जिस भी यहाँ पे आवाज़ रखना चाहते हैं, जैसे कि इस वाली, ये वाली रखना चाहते हैं, ये वाली रखना चाहते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से, फनी में रखना चाहते हैं, काइंड में, बनी बच्चे में रखना चाहते हैं, मैन में रखना चाहते हैं, वूमेन में रखना चाहते हैं, रोबोट में रखना चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज में रखना चाहते हैं वो आप सिंपल सा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इस वाले सेलेक्ट करके उसके बाद बस ये आपने कर दिया। ये करने के बाद बीच में एक दो जगह ब्लर कर देना है, ये सब करने के बाद बस आपका काम हो चुका है ना, इतना ही करना, ज़्यादा एडिट नहीं करना, नहीं तो आपकी मूवी मूवी जैसी नहीं लगेगी, ठीक। और एक और चीज़, सॉरी एक चीज़ मैं आपको भूल गया, इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर दोस्तों जो पेज है ना, इसको पे अगर आप कोई, अगर आप YouTube से कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर लोगो वगैरह आ रहा होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जाना है, क्रॉप का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, स्टार्ट पोजीशन इस पे क्लिक करना है और इसको दोस्तों थोड़ा जूम कर देना है, इस टाइप से जूम कर देना है, जैसे कि इतना है ये, तो मैं इस टाइप से इसको जूम कर देता हूँ, तो ये मैंने जूम कर दिया। जूम करने के बाद नीचे का, मतलब जो भी यहाँ पे आ रहा होगा टाइटल वो भी हट गया, और साइट का जो भी लोगो वगैरह होगा वो भी यहाँ पे चेंज हो गया, बस इतना हो गया। ये करने के बाद इससे क्या होगा कि दोस्तों यहाँ पे बीच बीच का आपको दिखाई देगा, नहीं इसमें आपको कोई लोगो वगैरह पहले से होगा तो लोगो भी हट जाए, तो दोस्तों नीचे जो सबटाइटल चलता है वो भी आपका हट जाएगा इस तरीके से। उसके बाद बस आपको एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट करने के बाद ये आपका पूरा काम हो चुका है, एक्सपोर्ट करने के बाद फेसबुक पे आने के बाद इसको अपलोड कर दीजिएगा। अभी बस इतना काम हो चुका है आपका, फाइनली अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद करना कुछ नहीं है, आपको ये डेली बाय डेली करना है। यहाँ पे मैं इस वाले फेसबुक पेज को लॉगआउट कर देता हूँ, अभी मैं मेन पेज को लॉगिन करके बताता हूँ, ठीक है। मैंने मेन पेज जो है वो लॉगिन यहाँ पे कर लिया, मेरा जो भी मेन पेज है, अभी आपको करना कुछ नहीं है, डेली बाय डेली करना है। अभी मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि यहाँ पे फेसबुक एलिजिबिलिटी क्या है। इस वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक करा, सीट डैक्सपोर्ट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक करा, नीचे जाता हूँ मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इन स्ट्रीम एड्स का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप देखिएगा आपके जो फॉलोवर्स होना चाहिए वो 5000 फॉलोवर्स होना चाहिए टोटल, ओवरऑल 5000 फॉलोवर्स, और आपका दोस्तों 60 डेज में लास्ट, यानी लास्ट 60 दिन में, यानी 2 महीने में आपको 60,000 वॉच मिनट करना है, 60,000 वॉच मिनट आपके होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे जो 5 वीडियो हैं ये आपके अपलोड होना चाहिए, 5 वीडियो मिनिमम अपलोड होना चाहिए 1 मिनट के ऊपर, ठीक। देखो रील से भी आपको वॉच टाइम काउंट होगा, तो रील को भी आप अपलोड कर सकते हैं, रील का जो वॉच टाइम बनता है ना वो वॉच टाइम भी दोस्तों आपके यहाँ पे पेज में मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में ऐड होगा, तो आप जितनी रील हो सके रील भी अपलोड कर सकते हैं, मूवीज़ भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक। तो ये है पूरी मोनेटाइजेशन की पॉलिसी, अगर ये आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद अपने फेसबुक पेज को आप मोनेटाइज कर पाओगे। तो शुरू से लेकर आखिरी तक की मैंने पूरी प्रोसेस बता दी कि कैसे दोस्तों आपको क्लिप को डाउनलोड करना है, कैसे एडिट करना है, कैसे अपलोड करना है, दो मेथड बताएं, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। जो मैंने मेथड बताई इन मेथड से दोस्तों फर्स्ट मेथड से तो आपको स्ट्राइक नहीं आएगा, सेकंड में आप और भी एडिट कर लीजिएगा, जो मैंने आपको एडिट करके बताया है आप उस तरीके से एडिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। दोस्तों आज के लिए तो नहीं मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।